अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज़। मैं हूं रिमशा शब्बीर, शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का यू टर्न, अचानक सीरीज मुलतवी करने पर इंटरनेशनल खिलाड़ियों ने भी कीवी टीम को आड़े हाथों ले लिया। श्रीलंकन क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर एंजेलिनो पेरेरा कहते हैं, 2 साल पहले पाकिस्तान का दौरा किया, टीम को बहुत अच्छी तरह रखा गया, खुद को हर तरह से महफूज तसव्वुर किया। वेस्ट इंडीज के डेरन सैमी ने कहा, गुज़िश्ता 6 साल पाकिस्तान का दौरा करता रहा, ये एक बेहतरीन मुल्क है, मैंने पाकिस्तान में खुद को हमेशा महफूज समझा। अमरीका ने तालिबान हुकूमत को तस्लीम ना किया तो मसाइल बढ़ेंगे, अफगान तालिबान के साथ बात करनी चाहिए। अफगानिस्तान इस वक्त तारीखी दौराहे पर खड़ा है, अफरा तफरी और इंसानी बहरान से उसके तमाम हमसाए मुतासर होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का रूसी मीडिया को इंटरव्यू, कहा तालिबान की मदद भारतीय प्रोपेगेंडा है, पाकिस्तान ने अफगान फौज को लड़ने से मना किया था। पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के लिए कुल बजट $50 अरब है, हमारा मुल्क कैसे इस जंग में मदद फराहम कर सकता था जो अमरीका पर हावी हो गई। इमरान खान ने मजीद कहा, दुनिया को तालिबान की जानिब से इंसानी हुकूक की बहुत फिक्र है, मगर कश्मीरियों पर नजर क्यों नहीं रखते जहां 8 लाख फौज कश्मीरियों पर जुल्म ढा रही है। अक्वामे मुताहिदा की जनरल असेंबली का 74वां इजलास, वज़ीर आज़म इमरान खान 24 सितंबर को इजलास में वर्चुअल शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी 20 सितंबर को अमरीका जाएंगे। जनरल असेंबली में आला सतह पर उमूमी मुबाहिसे का आगाज 21 सितंबर से होगा। मुल्क भर में कोरोना की चौथी लहर की तबाहकारियां जारी, एक दिन में मजीद 63 अमवात, 2512 नए केसेस रिपोर्ट हुए। एनसीओसी के मुताबिक 24 घंटों में मुस्बत केसेस की शरह 4.4% रही। बरतानिया ने पाकिस्तान को सफरी पाबंदियों की रेड लिस्ट से निकाल दिया, इतलाक 22 सितंबर से होगा। बरतानवी ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी के मुताबिक बरतानिया ने पाकिस्तान, तुर्की और मालदीव समेत 28 ममालिक को सफरी पाबंदियों की रेड लिस्ट से निकाला है। पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर का कहना है, रेड लिस्ट से निकलने के बाद मुकम्मल वैक्सीन शुदा अफराद को पाकिस्तान से बरतानिया आने पर क्वारंटीना नहीं करना होगा। कराची का पारा आज भी 40 डिग्री तक जाने का इम्कान, महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में समुद्री हवाएं बहाल हो गई मगर रफ्तार कम है, हब्स की शिद्दत बरकरार रहेगी। मुल्क के बेशतर शहरों में आज मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। काबुल ड्रोन हमले में दाइश के अहम रहनुमा को मारने का दावा झूठ निकला, अमरीका का काबुल ड्रोन हमले में आम शहरियों को निशाना बनाने का इतराफ़ कर लिया। अमरीकी वजीर दिफा ने 29 अगस्त को काबुल में ड्रोन हमले में सविलियन शहरियों को निशाना बनाने और 10 अफराद की हलाकत पर मुआफ़ी मांग ली। लॉयड ऑस्टिन ने कहा, संगीन गलती से सबक सीखने की कोशिश करेंगे। अमरीकी सेंट्रल कमांडर जनरल मैकेंजी ने भी 29 अगस्त को काबुल में अमरीकी ड्रोन हमले को गलती करार दे दिया। और फ्रांस ने इंडो पैसिफिक माहिदे के बाद अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से अपने सफीर वापस बुला लिए। फ्रांसीसी वजीर खारिजा ने कहा, ऑस्ट्रेलिया के साथ एतमाद का रिश्ता था लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने एतमाद को ठेस पहुंचाई। ऑस्ट्रेलिया का फ्रांस की रवायती आपदों से खरीदने की डील तोड़ना नाकाबिल कबूल रवैया है। 2016 में होने वाले माहिदे के तहत फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया को आपदोजें फराहम करना थी। हेडलाइंस आप जान चुके, इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज़।